हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल के बीच में होने वाले 11th मैच का। 11th जो मैच होगा ये होगा राजस्थान और दिल्ली के बीच में, और ये होने वाला है गुवाहाटी में। गुवाहाटी में राजस्थान जो है एक मैचेज ऑलरेडी खेल चुका है। अब जब एक मैचेज खेल चुका है, मैचेज हार चुका है, तो उसे आइडिया लग गया है कि बीच जो कैसा दिखाई देगा। और साथ में हमने ये भी देखने को मिला कि ड्यू जो है वो पहले इनिंग के ही 10 ओवर में आ गया था, जो कि मैं आपसे पहले ही बोल रहा था यहाँ पे कि ड्यू जो है गुवाहाटी में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा दिखाई रहेगा। इसके अलावा देखोगे तो यहाँ पे जो है ना दिल्ली के लिए थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन वाला गेम इसलिए भी हो सकता है कि ये 2 मैचेज ऑलरेडी हार चुके हैं। एक लखनऊ में हार गए, एक अपने ग्राउंड पे हार गए, और उसके अलावा जो है तीसरा मैच खेलने जाएंगे। राजस्थान वही जो है एक मैचेज हारा है, और हारने के भी जो है वो राजस्थान के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इनके जो कुछ बैट्समैन थे जैसे देवदत्त पड़िक्कल, इन्होंने जो है वो बहुत ही अच्छे स्पीड से नहीं खेला, 25-27 बॉल जो है ये खा गए। अगर शायद उसमें से जो है वो 10 बॉल पे ही आउट हो गए होते या 10 बॉल कम खेले होते तो हो सकता था कि ज़्यादा अच्छा विकेट जो इनको दिखाई देता, वो ज़्यादा अच्छा जो है रन बना पाते। लेकिन एक खास बात ये होगा कि इस मैच में ड्यू के चांसेस जो है बहुत ही कम रहेंगे, कि ये मैसेज जो है ना डबल हेडर होगा सैटरडे को, और ये मैसेज आपको 3:30 से जो देखने को मिलेगा। तो इसमें इस समय जो है इसमें ड्यू के चांसेस बहुत ही कम रहेगा, और ये आपको सैटरडे को यानी कि 8 अप्रैल को जो है देखने को मिलेगा। तो अब किस तरीके से मैचेस हो सकता है इसको हम लोग डिटेल्स में चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। इसके अलावा जो है अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो और चाहते हो जो भी मैचेज हुआ उनमें एक अच्छा प्रॉफिट आप नहीं बना पाए हो, तो ये व्हाट्सएप का नंबर है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है प्रॉफिट बना रहे हैं। आप भी जो इससे जुड़े कि आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, टेलीग्राम से जुड़े जाना कॉल फ्री सर्च करके, क्योंकि यहाँ पे जो आपको इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। और आप जो है फंडासी लेकर या स्क्वाडिंग 11 पर जुड़ सकते हो, यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाता है। अब सबसे पहले हमने बात करते हैं पिच के बारे में। तो जो लास्ट मैचेस यहाँ पे हुआ था गुवाहाटी में, तो मैंने आपसे बोला था कि गुवाहाटी का जो पिच है ना ये जो है क्या है, एक तो हिली एरिया है और ड्यू भी जो है अच्छा खासा रहेगा, जिसके चलते जो यहाँ पे देखोगे ना कि हिली एरिया में रॉकी टाइप के जो है पिचेज है, जिससे जो है ना बाउंस काफ़ी अच्छा खासा आता है और बैटिंग पे आता है, जिससे बैटिंग बहुत ही बढ़िया होता है, रन बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पर बनता है। और आपने फर्स्ट इनिंग देखा भी होगा, तो फर्स्ट इनिंग में आप देखा होगा कि यहाँ पे जो है ना केवल चौके छक्के में जो है बातें हो रही थी। बाउंड्री एरिया भी जो है ना बहुत ही बड़ा नहीं है, मीडियम जो है वो आप कह सकते थोड़ा सा स्मॉल जो है साइज जरूर दिखाई देगा, और एक परफेक्ट वेन्यू है जहाँ पे 200 रन बहुत ही आराम से स्कोर किया जा सकता है। और लास्ट मैच भी आपने देखा होगा सिर्फ 2 रन से जो है 200 रन नहीं बना, यहाँ पे 200 रन जो है बहुत ही आराम से बन सकता था। इस अलावा बात करते हैं तो ये जो है ना थोड़ा सा जो है आप देखोगे कि हाई स्कोरिंग मैचेज होता है, तो उसके बाद जो है कभी कभी यहाँ पे लो स्कोरिंग मैचेज जो है वो आ जाता है। टोटली डिपेंड करता है कि स्टार्टिंग फेज कैसा रहता है। स्टार्टिंग फेज मैंने पहले बताया था कि अगर अच्छा रहा तो लास्ट में देखोगे बहुत अच्छा रन जो है बन सकता है, और यही चीज़ यहाँ पंजाब ने यहाँ किया कि जो पावर प्ले था वो बहुत ही बड़ा कर दिया, और एक अच्छा सा जो है रन आपको यहाँ पे देखने को मिला। अब इसके अलावा जो है देखो फास्ट स्पिनर जो है वो काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि स्पिनर को यहाँ विकेट जो है चांसेस कम है कि मिलेगा। लेकिन ये पहले बजे था जब शाम के मैसेज होता, लेकिन जब दिन के मैसेज होगा तो यहाँ पे जो है बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि पीछे जो है धीरे धीरे ड्राई होगी। अगर इसी पीच में मैच होता है जिसमें लास्ट मैच हुआ था, तो थोड़ा सा जो है कंडीशन आप देखोगे तो इतना रन नहीं बनेगा, थोड़ा सा हो सकता है कि जो है वो कम रन बने, क्योंकि जैसे जैसे मैसेज होगा वो जो है थोड़ा सा स्लो होते जाएगा, और जब स्लो होगा तो थोड़ा सा जो है रन कम बनेंगे। तो इस चीज़ का जो है आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर पहले बैटिंग होता है सेम पीच पे, यहाँ पे जो है बैटिंग अगर होता है तो आपको जो देखने को मिलेगा जो यहाँ पे चौथी इनिंग हो जाएगा, चौथी इनिंग में जो है थोड़ा सा रन जो है आपको कम देखने को मिल सकता है। इस चीज़ का जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं इस ग्राउंड पे, तो आप देखोगे जो अभी एक मैसेज हुआ है IPL का, उसमें से जो है पहला मैच जो फर्स्ट मैच जीता है, और फर्स्ट बैट एवरेज आप देख सकते 197 है, जो कि पंजाब ने बनाया था। और इसके अलावा अगर हमने बात करें तो इस ग्राउंड के बारे में, तो ग्राउंड जो है वो साई है जैसा आपको देखने मिलेगा, लेकिन हाँ दिन का कंडीशन होगा तो जो रात वाला कंडीशन था उससे बिल्कुल अपोजिट होगा। इस चीज़ का जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं टीम न्यूज़ का, देखोगे राजस्थान की तरफ से तो संजू जो है वो लीड करने वाले हैं, और देवदत्त पाड़ी को जो है शायद ये लोग रिप्लेस कर देंगे किसी ना किसी जो है प्लेयर से, जो कि एक अच्छा भी होगा। अगर ओपनिंग नहीं करा रहे हैं तो आपको रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्लेयर डाल देने चाहिए जो कि अच्छी स्पीड से जो वो रन बनाए, क्योंकि देवदत्त पाड़ी को हमने पिछले साल भी देखा कि जब तक जो है ये क्या करते हैं कि अच्छा जो है वो विकेट नहीं होता और ओपनिंग नहीं करते हैं, तब तक एक अच्छा रन जो वो नहीं बना पाते हैं। तो इस चीज़ का जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। सो अगर हम तो दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली में जो है डेविड वार्नर जो है नियुक्त करने वाले हैं, और यहाँ जो है कोई भी चेंजेस ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि जो लास्ट टीम था वही जो इनका बेस्ट टीम है। इसके अलावा जो है अगर ये कुछ चेंजेस करते भी हैं तो थोड़ा बहुत जो है इस ग्राउंड के लिए फास्ट बॉलर को जो है लाने की कोशिश कर सकते हैं एज ए इम्पैक्ट प्लेयर, या फिर जो है इनके जो टॉप ऑर्डर है उनको परफॉर्म करना बहुत ही ज़रूरी है अगर इनको कोई भी मैचेज वो जीतने हैं। तो इसके अलावा जो है इनके बीच मिडिल में भी देखोगे तो ऐसा कोई नहीं है बैट्समैन जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाए, हालांकि अब इनके बैटिंग लाइनअप में हिसाब से देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर हैं लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको जो है परफॉर्म करना पड़ेगा अगर दिल्ली जो है वो फॉर्म में आना चाहता है, या फिर दिल्ली जो है मैच में बने रहना चाहता है। तो
इसलिए हम लोग बात करते हैं कि प्लेइंग इलेवन जितना देखो तो प्लेइंग इलेवन देखोगे तो आपको देखने मिलेगा राजस्थान की तरफ से जो है रश्मि का फॉर्म अच्छा है, हालांकि लास्ट मैच में नहीं देखने मिला। बटलर का फॉर्म अच्छा है, संजू का फॉर्म अच्छा है, देवदत्त पाटकर की जगह जो हो सकता है कि प्लेइंग इलेवन में ध्रुव जगत का जो है वो परमानेंटली इंक्लूड कर लिया जाए, जैसे कल ये इंपैक्ट प्लेयर ग्रुप में आए थे तो इनको इंक्लूड कर लिया जाए, और देवदत्त पाटकर जो है ये ऐसा कर सकते हैं कि जो है इंपैक्ट प्लेयर यूज़ करे या फिर जो है इनकी जगह किसी और को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसलिए जो है रियान पराग का भी जो है वो थोड़ा सा कीमत जो देखने को मिला, लेकिन जो कहते हैं कि एक रेगुलर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए रियान पराग से वो जो है वो नहीं मिलता है, पिछले कई सालों से जो है वो राजस्थान यूज़ कर रहा है, लेकिन एक क्रिशन मोमेंट जब आता है ना तो वो भी जो है फेल हो जाते हैं। हेडमार का जो है फॉर्म अच्छा देखने को मिलता है, बट जसन होल्डर का फॉर्म जो है अच्छा है। अब देखो तो टोटल काफ़ी अच्छा बैटिंग लाइनअप जो है आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ये अच्छा परफॉर्म जो है नहीं कर पा रहे हैं, और इंपैक्ट प्लेयर को लेकर टोटल 8 जो बैट्समैन हो जा रहा है, फिर भी जो है वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस जरूर कहीं ना कहीं दिक्कत रह रहा है। और साथ में इनके सोच का भी जो है वो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि कहीं भी जो है देखो ना कल जो है इन्होंने जो किया था कि देखो इनके पास 8 बैट्समैन है, फिर भी जो है अश्विन को जो है वो ओपनिंग करने के लिए जो है भेज देते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में कहीं ना कहीं जो आपको ये देखने को मिलता है कि हाँ थोड़ा बहुत जो इनका मेंटेलिटी जो है वो थोड़ा सा अलग जरूर रहता है, और जिसके चलते मैचेस बहुत सारे हारते हुए जो नज़र आते हैं। इसके अलावा देखोगे तो आपको देखने लगे यहाँ पे जो है वो ट्रेंट बोल्ट जो है वो काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, के एम आसिफ फॉर्म में है, चैनल अच्छे फॉर्म में है, लेकिन अभी सेंटर में जिस तरह का फॉर्म है वो लास्ट मैच में जो है वो देखने को नहीं मिला था। इसके अलावा हम बात करते हैं दिल्ली का, दिल्ली में पृथ्वी शॉ, वार्नर, मिथल मार्स, इसके अलावा जो है रिले रिशो, सरफराज खान, तो ये जो ऊपर के जो है ना टॉप ऑर्डर इनका चलना बहुत ही जरूरी है, खासकर पृथ्वी शॉ का और मिथल मार्स का चलना और रिशो का चलना बहुत ही जरूरी है कि अगर ये तीन प्लेयर जो है वो किसी मैच में नहीं चलेंगे तो आप देखोगे कोई भी टीम जो नहीं जीत पाएगी, क्या क्योंकि टॉप ऑर्डर के जो है वो तीन प्लेयर बिल्कुल चले नहीं रहे हैं, वैसे से लगभग कोई भी टीम जो है वो नहीं जीत पाएगा। इसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि अक्षर पटेल का फॉर्म जो है वो अच्छा है, अभिषेक पोरर का फॉर्म भी जो आप कह सकते हो कि अच्छा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करते हैं अमन हाकिम का फॉर्म भी जो है वो ठीक है, कुलदीप यादव का फॉर्म काफ़ी अच्छा है, नोकिया का फॉर्म काफ़ी अच्छा है, मुकेश यादव को जो है थोड़ा बहुत मार जरूर पड़ा था लास्ट मैच में, तो इनको जो है थोड़ा बहुत सुधार जो है वो करना जरूर पड़ेगा, इसलिए जो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करते हैं इनके रिसेंट परफॉर्मेंस का, रिसेंट परफॉर्मेंस देखोगे तो अगर हम लोग दिल्ली की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो दिल्ली जो है लास्ट मैच अगर बात करते हैं तो गुजरात से जो है ये हार के आ रहे हैं। सो उसके अलावा देखते हैं देखो तो यहाँ पे जो है लखनऊ से जो है ये हारे हैं, और उसके पहले अगर देख लेते ये दोनों मैच जो है इसी साल का रिसेंट का मैचेज है, उसके पहले देखेंगे तो आपको देखने कि मुंबई से जो है हारे थे, उससे पहले जो है पंजाब से जीते हैं, और उसके पहले देखोगे तो राजस्थान से जो है हारे हैं। ये अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि जो लास्ट इनके दो मैच हैं ना पंजाब से 5 रन से हार गए, जो कि जीतने वाला मैच था, कोई भी जीतता तो वो जीतने वाला मैच था, बहुत सारी गलतियाँ इन्होंने किया। उसके बाद जो है हैदराबाद से जो है ये 72 रन से जीते, जो कि बहुत ही बड़ा जीत है, और ये जो है ना इससे इनका रन रेट जो है बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गया नेट रन रेट। इसके अलावा बात करें उससे पहले गुजरात से जो हारे थे, उससे पहले बेंगलोर से जो है जीते हैं, और उससे पहले गुजरात से जो है ये हारे हैं, ये सीनरी जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसलिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि हेड टू हेड जो है वो कैसा रहने वाला है अभी तक, तो देखोगे तो अभी जो है टोटल 26 मैचेज हुआ है, जिनमें से 13 जो है राजस्थान जीता है और 13 जो है वो दिल्ली जीता है, तो हेड टू हेड में जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल आपको नजर आएगा, चाहे आप किसी भी टीम को सपोर्ट करते हो, तो देखो दोनों टीमें जो है वो सेम ही जीती है, और इसमें जो भी मैचेज जीतेगा वो जो है वो थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं जो लास्ट 6 मैचेज इन्होंने खेले उनमें से 2 जो है वो कौन जीता है, तो राजस्थान जीता है, और 4 जो है वो दिल्ली जीता है, यानी कि अभी जो है वो दिल्ली थोड़ा सा डोमिनेट कर रहे हैं, पिछले 1-2 सीजन आप देखोगे तो 4 मैचेज जो है ये जीत चुके हैं, तो इस चीज़ का जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं तो अगर हम लोग टीम की बात करें तो आपको पता होगा कि टीम में जो है यहाँ पे अगर ये दोनों टीमें खेलती है तो विकेट कीपर जो है आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, तो विकेट कीपर तौर पर जो है यहाँ पर हमने जो है पटनर को लिया है, संजू को लिया है, और सेम यहाँ पर जो है सरफराज को लिया है, कि तीनों का फॉर्म जो है वो लास्ट मैच छोड़े उसके पहले लास्ट देखोगे तो भी जो है वो अच्छा देखने को मिला, तीनों का फॉर्म जो है वो अच्छा है, तो इसलिए जो हमने यहाँ पर पिक कर रखा है। बैटिंग की बात करते हैं तो वार्नर का फॉर्म जो है वो अच्छा चल रहा है अभी के लिए, मिसल में हेडमैन का फॉर्म भी जो अच्छा है, एचएसवी का फॉर्म भी जो अच्छा है, तो ये काफ़ी जो है आपको सेफ नज़र आएगा ये टीम में। वैसे आप देखेंगे तो पृथ्वी शॉ को लिया है और रूसो को लिया है, तो ये दोनों जो है ऐसे प्लेयर हैं जो कि काफ़ी जो है वो रिस्की प्लेयर हैं, दोनों जो है वो काफ़ी रिस्की है, और हेडमैन का फॉर्म देखोगे तो आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं ऑलराउंडर में, तो ऑलराउंडर में मिथल मार्स जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस उतना अच्छा देखने को मिला, हालांकि लास्ट मैच में जो ये ड्रीम टीम में जरूर थे क्योंकि इन्होंने विकेट जो है वो ले लिया था। इसके अलावा बात करें तो अक्षर पटेल को जहाँ पे वाइस कैप्टन रखा है, होल्डर का फॉर्म भी सही वो ठीक है, बैटिंग हो बॉलिंग हो, हालांकि बैटिंग को जल्दी से मिल नहीं रहा। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे तो अक्षर पटेल को रखा है, उसके अलावा जो है अश्विन को रखा है, तो ये जो है वो आपको थोड़ा सा जो है आपको एक सीनरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में जो हमने यहाँ पर नोकिया को रखा है, बोल्ट को रखा है, और चहल को रखा है, और यहाँ पे देखोगे तो आपको जो है वो आपको खलील अहमद को रखा है बोल्ट की जगह, तो इस मिले जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप चाहते हो कि यहाँ पे जो है रूसो को आप हटा दो, तो रूसो को हटा कर जो है आप किसको पिक कर सकते हो, तो आप चाहो तो जयसवाल को भी ऐड कर सकते हो, और पृथ्वी शॉ को जगह जो है आप किसी और को ले सकते हो, जैसे शाहरुख खान हो गए तो उनको भी जो है आप यहाँ पे ऐड करके चल सकते हो। तीस मिले जो है आपको सॉरी बोल रहे शाहरुख खान, यहाँ पे जो है आपको रूसो को भी रख सकते हो, और इसके अलावा जो है आपको जो भी यहाँ पे मिलेगा पृथ्वी शॉ को जो आप थोड़ा सा जो है वो लेके चल सकते हो कि हाँ
एक ट्रेंडिंग में जो है वो हो सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे डेविड वार्नर को ऐड कर सकते हो क्योंकि उनका फॉर्म जो है वो अच्छा है अभी के लिए। तो आप इनमें से जो है किसी एक को अगर सेव करना चाहते हो तो आप इस वाले टीम के साथ जो है लेके जा सकते हो। तो इस चीज़ का जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तब आपने वीडियो जो है पूरा देख लिया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़ो चाहते कि विनर सेशन एंट्री में बहुत ही प्रूफ क्लास हो गए, व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पर आपको जुड़ जाना है, कोई इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। साथ में आप जो है वो कॉल पर टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हो, और ड्रीम इलेवन टीम के आप स्क्वाडिंग इलेवन पर जुड़ सकते हो जहाँ पे आपको जो है इससे रिलेटेड सारी चीज़ें अपडेट हो जाती है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जाते जाते। मिलते हैं फरवरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।